अवामी नुमाइंदों के पुरतायुश ऐवान का इफ्तिताह 2006 में उस वक्त के वजीर आला और मौजूदा स्पीकर परवेज़ इलाही ने किया था। 15 साल की तवील मुद्दत और खतीर अखराजात के बाद पंजाब असम्बली ऐवान की नई इमारत मुकम्मल हो गई। पंजाब का बजट इसी इमारत में पेश किया जाएगा। अजीम शान इमारत का हॉल एशिया का सबसे बड़ा ऐवान है। मरकजी गुंबद पर नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स के तावुन से इस्लामी फन खताती से नक्श बनाए गए हैं। दरो दीवार पर लकड़ी के काम के लिए बर्मा से खास तौर पर सागवान की लकड़ी बरामद की गई। ऐवान में 422 अराकीन जबकि मेहमान गैलरी में बैठने की गुंजाइश 800 है। इमारत में वजीर आला, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और अपोजिशन लीडर के दफातर कायम किए गए हैं। ऐवान के दाएं और बाएं जानब हकूमती और अपोजिशन अराकीन के लिए हॉल्स बनाए गए हैं। स्टेट ऑफ द आर्ट सिक्योरिटी सिस्टम, सीढ़ियों के साथ साथ जदीद एस्केलेटर्स इमारत का हिस्सा हैं। ऐवान में बेहतरीन फर्नीचर, बाबा कौम और शायर मशरक अलामा मोहम्मद इकबाल की कदादम तस्वीर आवेजा हैं। मार्बल यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है, ये सारा CNC ओनेक्स का काम हुआ है इस पर। और इसकी खसूसियत ये है कि जब ये लाइट चलती है तो ये मार्बल चमकता है, इसमें ये खूबसूरती है इसकी। दूसरा, जो आप हाउस देख रहे होंगे हमारा, ये तकरीबन 370 मेंबरान के करीब यहाँ पे चेयर्स हमने लगाई हैं। सूबाई वुज़रा के लिए नई इमारत में 38 दफातर बनाए गए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल, डिस्पेंसरी, लाइब्रेरी और वसीओ अरीज कैफेटेरिया भी बनाया गया है। सिक्योरिटी मॉनिटरिंग रूम, IT डेटा सेंटर और 400 से ज्यादा गाड़ियों की पार्किंग भी नई इमारत में कायम की गई है। पंजाब असम्बली की नई इमारत और ऐवान की तामीर पर 2 अरब 37 करोड़ रुपए लागत आना थी। 15 सालों में बार बार ताखीर के बाइस मंसूबे की लागत 5 अरब 39 करोड़ रुपए तक जा पहुंची। कैमरामैन शाहिद जमील के साथ उमर राना, हम न्यूज़, लाहौर।